Hi everyone, namaste, welcome back to my channel. So today I will try some newly launched products from Ann range by Blue Heaven, जो कि एक स्किन केयर इन्फ्यूज्ड मेकअप रेंज है. मेरे पास इस रेंज के कुछ लिप टिंट्स है, कुछ ब्लश एंड हाइलाइटर्स है और यहाँ पर ये आई शैडो स्टिक्स है. तो मैंने अपना बेस मेकअप अभी कर रखा है और बाकी का मेकअप मैं इनमें से शेड्स देखूंगी, इनके स्वॉचेस दिखा देती हूँ, फिर डिसाइड करते हैं कि कौन से शेड यूज करने हैं. सबसे पहले मैं इनका लिप टिंट ऑयल यूज करूंगी एंड आई हैव 6 शेड्स फ्रॉम दिस रेंज. तो फटाफट से मैं आपको इनके हैंड स्वॉचेस दिखा देती हूँ. सो दीज आर दी हैंड स्वॉचेस ऑफ दीज लिप टिंट्स एंड दे आर वेरी पिगमेंटेड, लाइट वेट, वेरी कंफर्टेबल और इतने सुंदर शेड्स आते हैं इसमें. ओके, सो आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल यूज दिस शेड पैशन फ्रूट मॉव. ओके, सो दिस फेल्स सुपर कम्फर्टेबल ऑन माई लिप्स एंड द कलर इज बिल्डेबल टू. आपको लाइट चाहिए तो आप एक कोट लगा सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा पिगमेंटेशन चाहिए तो आप 2-3 कोट्स लगा सकते हो. एंड दिस इज इन्फ्यूज्ड विद क्रैनबेरी ऑयल जो आपके लिप्स को हाइड्रेट भी करेगा. देन इट हैज़ रास्पबेरी ऑयल जो आपके लिप्स को प्रोटेक्ट करेगा एज इट हैज़ एंटी ऑक्सीडेंट्स. इट ऑल्सो हैज़ हेजलनट ऑयल विच विल नरिश योर लिप्स एंड विल कीप इट प्लम्प्ड फॉर आवर्स. मैंने इस लिप टिंट को पहले भी एक दो बार ट्राई करा था ये वीडियो करने से पहले एंड इट फील्स लाइक दैट यू हैव एक्चुअली अप्लाई सम ऑयल ऑन योर लिप्स. तो लिप्स हाइड्रेट भी हो जाते हैं और टिंट भी आ जाता है. सो इट वर्क्स एज अ लिप ग्लॉस एज वेल क्योंकि इसकी शाइन भी काफी अच्छी है और कुछ आवर्स के बाद जब ये ऑयल हट भी जाता है ना तो बहुत ही प्यारा सा एक टिंट रह जाता है लिप्स पे जो कि काफी नेचुरल लगता है. तो अब मैं ब्लश एंड हाइलाइटर यूज करूंगी और इसके मेरे पास 8 शेड्स हैं. इनके स्वॉचेस मैं आपको दिखा देती हूँ और इसका नाम है पॉप एंड ग्लो जेल ब्लश एंड हाइलाइटर. तो यहाँ पे ये ब्लश और हाइलाइटर के स्वॉचेस हैं और जब मैंने इसको अप्लाई करा था ना फेस पर तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था बिकॉज दिस रेंज इज स्किन केयर इन्फ्यूज तो ऑब्वियसली दिस इज गुड फॉर योर स्किन. तो ब्लश के लिए मैंने शेड यूज़ करा है स्पाइसी पिंक एंड दिस ब्लश इज़ ऑल्सो वेरी सॉफ्ट एंड फील्स वेरी हाइड्रेटिंग ऑन द स्किन एज इट हैज़ कोकोनट ऑयल. इट ऑल्सो हैज़ रोजहिप ऑयल दैट विल रिपेयर द स्किन एंड सील मॉइस्चर इन इट. देन इट हैज़ स्क्विलेन विच इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज, सो इट विल ब्राइटन योर ओवरऑल लुक एंड ये फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स को भी मिनिमाइज करता है. एंड दिस ब्लश इज़ सो ब्लेंडेबल, इतने आराम से ये ब्लेंड हो गया था. तो जैसे मुझे चीक्स पर ये अप्लाई करना पसंद है ब्लश, थोड़ा सा नोज़ पे, अपने जॉ लाइन पे, अपने चिन पे भी, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा और लगा लिया था. पहले मुझे थोड़ा सा ही लगा कर देखना था कि कैसा लग रहा है, कैसा मतलब है ना कि जब हम इसे ब्लेंड करते हैं तो किस तरीके से ब्लेंड होता है. तो फर्स्ट टाइम तो थोड़ा कम ही लगा के देखना चाहिए, फिर मैंने थोड़ा सा और लगाया क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्लश लगाना पसंद है. सो इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लग रहा है. और जैसे हमें नोज़ कॉन्टोरिंग करनी होती है ना तो वो भी आप ब्लश से ही कर सकते हैं. तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही अपनी नोज़ की साइड पर ये ब्लश अप्लाई कर लिया है, जैसे जहाँ पर भी हम ब्रॉन्जिंग करते हैं. एंड फेस को हाईलाइट करने के लिए मैंने शेड यूज़ करा था गोल्डन आवर. वैसे तो आप ब्लश भी लगाएंगे तो आपको एक बहुत ही हेल्दी सा ग्लो अपने फेस पर दिखेगा. आप डिफरेंस देख सकते हैं जो मैंने क्लिप लगाई है कि ब्लश लगाने पर ही कितना सुंदर ग्लो आ रहा था मेरी चीक्स पर मैंने ये हाइलाइटर भी यूज़ करा है देखने के लिए कि कैसा लग रहा है. तो ये भी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, शाइन काफ़ी अच्छी है. तो जहाँ पर भी अपने हाइएस्ट पॉइंट्स पे हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं वहाँ पर मैंने इसको यूज़ कर लिया है. एंड इट्स नॉट दैट चंकी हाइलाइटर, ऐसे चंक्स आ जाते हैं ना, पार्टिकल्स दिखते रहते हैं हाइलाइटर के, तो वैसा नहीं है. बहुत ही ऐसे जो विद इन ग्लो होता है ना, नेचुरल सा वैसा लगेगा ये हाइलाइटर आपको लगा के. और इसको आप ब्यूटी ब्लेंडर से या फिंगर्स की हेल्प से कैसे भी ब्लेंड कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से काफ़ी आसानी से ये ब्लेंड हो जाएगा. तो अब आते हैं आई मेकअप पर एंड दिस इज ऑल्सो अ न्यू लॉन्च इन दिस एंड रेंज फ्रॉम ब्लू हेवन और इसका नाम है स्वाइप एंड शिमर एक्सट्रीम होल डुअल एंडेड आई शेडो स्टिक्स एंड आई हैव 8 शेड्स फ्रॉम दिस रेंज. तो इनके भी हैंड स्वॉचेस मैं आपको दिखा देती हूँ. अभी आई शेडो के आप स्वॉचेस देखिए, इसमें ना एक ही स्टिक में आपको 2 शेड्स मिल रहे हैं, एक आपका मैट शेड रहेगा, एक मेटालिक रहेगा. तो आप एक ही स्टिक से ना अपना पूरा आई शेडो अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं. आप मैट शेड भी यूज़ कर सकते हैं, मेटालिक भी, और शेड्स भी सारे कितने ज़्यादा सुंदर हैं. तो आई मेकअप के लिए मैंने शेड यूज़ करा है टेराकोटा वॉरियर्स और इसमें भी हमारा ये मैट शेड है, ये कोरल ऑरेंज सा. तो इसको मैंने ऐसा ट्रांजिशन यूज़ करा है और सेम शेड को मैंने अपने लोअर जो हमारा लैश लाइन है वहाँ पर लगा लिया है और फिर इसके बाद मैंने ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लिया और ये इतने अच्छे से ब्लेंड हुआ है. कलर इतना अच्छा लग रहा है, इतना ब्यूटिफुल ट्रांजिशन आया है, बहुत सुंदर है. और इसी में हमारा मेटालिक शेड भी है तो मैंने आगे की तरफ मेटालिक शेड यूज़ कर लिया था और उसको भी ना आप अपने फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं या फिर आप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लीजिए.
और ये लगा लिया है मैंने मेटालिक शेड, और पूरे हमारे जो ये इनर जो है ना लिड, मैंने उस पर इसको अप्लाई कर लिया। तो स्टिक से भी आपको दोनों वे में ही सही से ये अप्लाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, दीज आर वेरी वेरी स्मूथ। और मैंने ना फिर थोड़ा सा ये जो शैम्पेन था, दूसरा शेड है ये, वो भी यूज़ करा था अपने आउटर में थोड़ा सा और डेप्थ देने के लिए, और फिर उसको ब्लेंड कर लिया था। एंड दीज आई शेडो स्टिक्स आर वेरी पिगमेंटेड, वेरी लॉन्ग लास्टिंग, और कैरी करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। दे आर वेरी ट्रैवल फ्रेंडली, ऐसे पेंसिल शेप में है ना, तो आप इसको अपनी पॉकेट में भी रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए, तो बहुत ही अच्छा रहता है, लाइट वेट भी है। तो ये देखिए, मैंने ये वाला जो शैम्पेन शेड है ना, थोड़ा बाहर अप्लाई करा और फिर उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, और ये आई लुक इतने अच्छे से हो गया ना, इतना ईजिली, मतलब इधर थोड़ा सा वीडियो में टाइम लग रहा है क्योंकि सब कुछ स्टेप बाई स्टेप बताना पड़ता है, पर वैसे अगर आप इसको करेंगे ना, तो सिर्फ मेरे ख्याल से इसमें 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट से भी कम में इतना सुंदर आपका आई लुक क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल लुक विच आई हैव क्रिएटेड बाई यूजिंग दीज न्यू प्रोडक्ट्स, और मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे क्योंकि स्किन फ्रेंडली है, बहुत ही सॉफ्ट है स्किन पे, मतलब यूज़ करने से ही आपको पता चल जाएगा कि स्किन के लिए अच्छे भी है। तो ये तीनों ही एंड रेंज के प्रोडक्ट मुझे काफ़ी पसंद आए, बिकॉज दे आर नॉट लाइक टिपिकल मेकअप प्रोडक्ट्स, दे आर यूनिक एंड यू कैन यूज देम इन मल्टीपल वेज, आप ना इससे डिफरेंट मेकअप लुक स्टाइल कर सकते हो। जैसे कि लिप टिंट है, तो इसको आप अपने लिप्स पे ऐसा ग्लॉस लगा सकते हैं, एज अ टिंट यूज कर सकते हैं, या फिर एज अ ब्लश भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर ये जो डुअल आई शैडो स्टिक है, आई शैडो की तरह तो आप इसको यूज कर ही सकते हैं, यू कैन इवन यूज दिस एज अ हाईलाइटर, और फिर ये जो ब्लश एंड हाईलाइटर है, फिर इसको भी आप अपने आई शैडो की तरह यूज कर सकते। सो आई एब्सोल्युटली लव दीज न्यू लॉन्चेस फ्रॉम ब्लू हेवन, एंड आई एम सो हैप्पी दैट दे केम अप विद सच अ वर्सेटाइल रेंज विच कैन बी यूज इन मल्टीपल। सो आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में और जानना होगा, आपको परचेज करना होगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना, कुछ आप पूछना चाहते होगे तो वो भी आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उनके भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए।